सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने तबला शास्त्र में कुछ पॉइंट्स पढ़ा था, और आज भी हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक तो वही है, तबला शास्त्र ही है, उसमें अब एक नया पॉइंट है, वो है संगति। ठीक है, संगति से आप लोग वैसे भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और वैसे म्यूज़िक में संगति का क्या मतलब होता है, इस बारे में हम लोग जान लेते हैं। गाने बजाने और नृत्य के साथ तबला बजाने को संगति कहते हैं, ठीक है। अब तबला तो फिर तीनों ही चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, सिंगिंग के लिए भी, इंस्ट्रूमेंट मतलब प्लेइंग के लिए भी, और डांसिंग के लिए भी, तीनों ही चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इन तीनों के साथ तबले का जो संगत होता है, उसको जो प्ले किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को संगति कहते हैं, ठीक है। संगति किसको कहते हैं? सिंगिंग, डांसिंग और इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग के साथ जो तबला साथ देता है बजा के, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? संगति कहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है तिहाई। किसी टुकड़े को तीन बार बजाने को तिहाई अथवा तिहा कहते हैं। अब ये किस टुकड़े को बजाने, देखिए गाने में भी तिहाई किया जाता है और बजाने में भी तिहाई किया जाता है, ठीक है। अब तबला के जो बोल हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो तबला का जो भी बोल है उसका लास्ट, ठीक है, लास्ट लाइन को हम तीन बार गाते हैं या बजाते हैं तो उसको तिहाई बोलते हैं। जो बच्चे म्यूज़िक की क्लास लिए थे या जो प्रैक्टिस में भी आप अगर ध्यान दिए होंगे, तो हम लोग अक्सर गानों को तिहाई करके एंड करते हैं, ठीक है। जब उसका उनको समाप्त किया जाता है उस गाने को, तो उसमें तिहाई का दे के उसे एंड किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ये तो हो गया कुछ तबला शास्त्र। अब आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारा टॉपिक है तानपुरा। तानपुरा आप जानते होंगे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा स्मूदिंग मतलब सुरीली आवाज़ होती है तानपुरे की। सुनने में बहुत ही स्मूदिंग लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो आज इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस वाद्य को तानपुरा के नाम से पुकारा जाता है। उत्तर भारतीय संगीत में इसने महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। इसका कारण यह है कि इसका स्वर बहुत ही मधुर होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इंडियन म्यूज़िक में इसका बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुरीली आवाज़ इसकी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा ही स्वीट वॉइस होता है, ठीक है। इसे सुनना बहुत अच्छा लगता है, और तानपुरा को हम प्रैक्टिस में, नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें इसकी धीरे धीरे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।